रहीम अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और तमाम मुसलमानों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी अब ये माशाल्लाह सहरी के बाद का टाइम है, इनके तकरीबन 8:15 का टाइम है। तो कुरान पाक से फारिग होकर मैं नमाज़ तो कभी, आपको पता फजर का टाइम तो गुजर चुका है, तो मैं जब से बैठी रहती हूँ कुरान पाक पढ़ती रहती हूँ। सब बच्चे सो रहे होते हैं, सब सो रहे होते हैं, क्योंकि मेरी शुरू की आदत है, यही मेरी रूटीन है इनकी शादी से पहले की और अभी तक की यही रूटीन है। एजेड हो गई हूँ फिर भी माशाल्लाह उसी रूटीन पर चल रही हूँ। तो अब तक जितना मुझसे पढ़ा जाता है मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं घरेलू काम करती हूँ। यानी कि अब मैंने क्या करना है, मैंने ऐसे करती हूँ कि जो शाम को मैंने बल्ले बनाने ना, क्योंकि गैस का इशू आता है तो मैं पहले ही बना लेती हूँ, ठीक है जी। तो बल्ले वगैरह बनाने, और मैंने आज क्या बनाना है, आज हम बना रहे हैं जी कीमा की है, ठीक है। कीमा आलू बनाएंगे, बट ये कीमा आलू स्मोक वाला हो, कीमा आलू कढ़ाई बट स्मोक वाली, और बनाइएगा ज़रूर आप लोग, ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल टेस्ट हटके होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे सेल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो पिक्स पे मत जाइएगा कि कैसी तस्वीर आ रही है कैसी नहीं आ रही है। आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए बाकी उसकी वो यूनिक सी रेसिपीज़ हैं कि नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए जी, मेरे साथ चलें किचन में, तो मैं बनाती हूँ वो रेसिपीज़ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ना पढ़ के चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दही बल्लों की आपको ये बल्ले जो बनाने मैंने आपको बता दिए, बड़े स्पॉन्जी से, ये देखें जी, ये तो अभी फ्रेश बनाए हैं। क्या करूँ, इतने बनते हैं हमारे घर, क्योंकि ज़्यादातर दही बल्ले ही खाए जाते हैं, चाहे वो क्रीम में हो, चाहे वो दही में हो, मीठे हो, चाहे वो चना चाट वगैरह सब कुछ डाल के बनाई जाए, लेकिन बच्चे पसंद करते हैं दही। और फिर मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि ज़रा दही वगैरह की ज़्यादा यूज़ किया करो बच्चों के लिए। तो पकौड़े भी हालाँकि वही ऑयल में बनते हैं, लेकिन ये होता है कि उसका ऑयल उसके अंदर ही होता है, ये अब्जॉर्ब हो जाता है, पानी में जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डले होते, वो मैंने बताया, जो अजवाइन डाल दें, जीरा डाल दें, अगर डालना चाहे जीरा ना भी डालें तो कोई असर नहीं है इसमें, ठीक है जी। नमक और मिर्च डाला और इसको हमने बना लिया, ठीक है जी। बना के ये देखें आपके सामने ये बल्ले बने हैं, और ये मैंने आलू बॉयल कर लिए, और मैं जल्दी इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि गैस का इशू भी आता है, और दूसरी बात ये भी मैंने आपको बताया कि फिर आज वही वाली बात हो जाती है कि हमने इबादत का टाइम मिल गया। तो बस कुछ रेसिपीज ऐसी हैं कि मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, तो कुछ ना कुछ रह भी जाता है बाद में, ठीक है जी। अब जिस टाइम हमने बल्ले बनाए तो हमने क्या किया, उसी में जी आलू हम जल्दी से ये मतलब फ्राई कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी ये रेसिपी जो है ना मेरी डिफरेंट आपको लगेगी, क्योंकि हम अमूमन जो है ना आलू से बॉईल करके डालते हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं, ठीक है जी। अब इसमें लग गया पड़ा हमने, और ये हमने उसी ऑयल में डाल रहे हैं, ठीक है। आलू को हमें ज़रूरत नहीं हमें कि हम वो साफ़ करें या कुछ करें, ठीक है, उसी ऑयल में हमने ये देखें आपके सामने डाल दिया हमने ये आलू, ये बहुत टेस्टी लगेंगे आपको, देखिएगा ये आलू आपको कैसा टेस्ट देंगे। बल्लों में आप डालिएगा ये, ठीक है जी। फ्राई करके हम निकाल लेते हैं इसको, बस ये 4-5 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। रमज़ान नहीं होता है, हमें 2-3 आइटम बनाने होते हैं ना, फिर मैं ऐसा वन बाई वन ऐसे बनाती हूँ। तो देखिए मैं आपके लिए भी काम आसान करती हूँ। अब ये ऑयल रखा तो मैंने पहले बल्ले बना लिए, ठीक है। ये सहरी के बाद ही मैं बना लेती हूँ, कि मेरे हस्बैंड वगैरह जब तक जाते हैं या बिजनेस जब तक यूनिवर्सिटी जाते हैं, जब तक मैं क्या करती हूँ ये चीज़ें बना लेती हूँ। ये मतलब ये मैंने बल्ले बना लिए, उसके बाद मैंने आलू फ्राई कर लिए, आलू बॉयल किए पहले, फिर इसको फ्राई कर लिया, फिर इसी ऑयल को मैंने स्ट्रेन कर देना, ठीक है। इसको छान लेंगे हम और इसमें अपना खाना बना लेंगे, ताकि हम रीयूज़ ना हो, ठीक है। आज एक ही दिन हमने इस्तेमाल किया तो हो गया, ठीक है। ये नहीं कि पहले रमज़ान में शुरू हो रहे हैं तो एंड तक वही चलता है, जैसे बाजार की चीज़ें होती है, तो सेहत के लिए नुकसान दें। तो हमने ये करना है कि इसी को हमने बस अब छानेंगे और उसमें खाना बना लेंगे अपना, जो भी बना लेंगे, ठीक है जी। देखिए इस तरह से हमने इनको पोटैटोज़ को अच्छा सा रोस्ट कर लिया इनके, ठीक है। फ्राई कर लिया हमने आलू को रफली सा, और ज़्यादा करना चाहें और ज़्यादा कलर दे सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिक से थोड़ी सी रेसिपीज़ होती है, को ट्राई ज़रूर किया करें। कल भी मैंने खट्टी चाट बनाई थी, मैं हमेशा उसमें सेव भी डालती हूँ, जो नीमको क्या कहते हैं उसको होती हैं, सवैया सी होती हैं नीमको में, वो मैं ज़रूर डालती हूँ। लेकिन अगर हों पास तो अब नहीं थी तो कोई बात नहीं, आप इसमें गार्निश कर दिया करो ऊपर, अगर आपके पास वो अनार है, अनार का सीज़न है, थोड़े से अनार डाल दिए, इस टाइप की चीज़ों में डाला करें, कलर्स भी लाते हैं सब कुछ, ठीक है। तो मैं तो रमज़ान में बना रही हूँ, जो जो चीज़ जल्दी जल्दी बनती जाती है, जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। और आप देख रहे हो जिस कढ़ाई में मैंने आलू डाले, उसी के ढक्कन पर जल्दी से मैंने आलू निकाल दिए, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं, ठीक है जी। लेकिन मैं बनाऊँगी कैसे, असेंबलिंग्स कैसे करूँगी, मैं बड़े से थाल में बनाऊँगी, ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है वो मेरे लिए इस तरह से। उसमें मैं 3-4 स्पून लगाती हूँ, जैसे ही रोज़ा खुलता है ना अफ्तारी के टाइम, सारे जल्दी जल्दी 3-4 बड़े चम्मच होते हैं, उनसे सब अपने अपने बोल में डाल लेते हैं, ठीक है जी। दूसरे को जहमत नहीं हुई, ठीक है। तो ये जब हम बनाएंगे तो आपके साथ साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इसमें भी आप डालना चाहें ना तो सेव डाल सकते हो, पर अभी मेरे पास नहीं है, वैसे हो सकता हो अगर शाम तक आ गई तो डाल दूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे मैं शहरी के बाद के टाइम है ना ये, ठीक है ना, बात से मुराद ही इनके 8:30-9 बज रहे हैं अभी तकरीबन। तो अब मैं ये होता है कि खाना बनाऊँगी, और खाना क्या है, कीमा रखा है अंदर, तो समझ नहीं आ रही, बार बार बाज़ वो भी चीज़ भी बन जाती है, लेकिन करें क्या जी, बच्चे रमज़ान में आपको पता बस चिकन और गोश्त कीमा इस टाइप की चीज़ें मांगते हैं, तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। मतलब ऐसे दाल भी अच्छी लगती है, ये दाल चावल था उसमें बनाई थी, बेहद 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 मज़े की थी, और सब बच्चों ने, मैंने बड़ी शौक से खाई थी, मेरे बच्ची ने बेटी ने भी शौक से खाई थी, वो तो खैर खाती दाल शौक से, और बहुत मज़े की थी, मसूर की दाल गोश्त मैंने और साथ बनाया, थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा था मैंने उसमें,
एक मसूर की दाल थी। एक बार मैंने मसूर की दाल में कीमा डाल के बनाया था रमज़ान में, बहुत ही टेस्टी था। चावल हो तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद नंबर पर गोश्त का ही आ जाता है। ठीक है बच्चे, देसी फूड ही पसंद करते हैं रमज़ान में, और रमज़ान में किसी बच्चे का, बड़े का, किसी का दिल नहीं चाहता क्योंकि कुछ और चीज़ हो, देसी फूड का ही दिल चाहता, तो देसी फूड ही बनता है, देसी फूड में यही कुछ है सब कुछ। ठीक है जी, तो अभी जब जो चीज़ बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल मैं ऐसे करती हूँ कि ये बना रखा हुआ कीमा रखा हुआ, आलू रखे, आलू रखे नहीं बल्कि जो मैंने आलू बॉईल किया ना, मैंने एक साथ ही बॉईल कर दिया। सच्ची बात आपको बताऊँ, वो इसलिए मैंने बॉईल कर लिए कि देखें थोड़ा काम को आसान करती हूँ ना, कि इबादत का वो महीना है तो हम इसमें पता चले उसमें लग जाते हैं। देखिए अब आपको दिखाती हूँ, देखें आप देख रहे हैं, मैंने कुछ आलू साथ ही बॉईल कर लिए, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, एक ही बार बॉईल कर लेती हूँ तो कीमा आलू बना लेंगे। ऐसे मैं बॉईल करके नहीं डालती कीमे में, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलिए अब काम को आसान करते हैं, और दाई पाते पढ़ना भी होता है कुछ, तो फिर वो वजीफे भी टाइम मांगते हैं ना। ठीक है जी, अच्छा अभी ये जो बल्लों का हमने सारा ये सेट करके रख दिया, तो अब रोज़ा बिल्कुल इफ्तारी का टाइम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ कर हम इस पर योगर्ट डाल देते हैं। ठीक है, फिर ये होता है ना अपनी मर्ज़ी, जिसने जैसे जैसे लेना होता है वो ले लेता है, तो अभी हम ऐसे करके रख देते हैं। जिसकी प्याज वगैरह सब कोई डाल दिया क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट होता, इस तरह से ही होता है, बाकी जितना जिसने डालना होगा वो और डालेंगे। ठीक है जी, तो अभी हमने ये किया है कि इसके ऊपर हमने मीठी इमली की चटनी आज नहीं डाल रहे, जिसने डालनी होगी, खट मीठी चटनी है ना, किसी बच्चे का टेस्ट है और किसी का नहीं है, और रोज़े में आपको पता है फिर सबके मूड का ज़रा ख्याल रखना पड़ता है वीडियो के साथ साथ मुझे। ठीक है जी, ये देखेंगे मैंने डाल दिया है दही बलों पर चार मसाला हो। ठीक है जी, बाकी का सादा दही जो है जैसे जैसे सब खाएंगे वैसे वैसे डालते जाएंगे जी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो हम बनाएंगे डिनर, डिनर कह सकते हैं ना तारी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास कीमा है, ये है सिंपल कीमा। ठीक है जी, और ये भी पनीर जो डाल के आपको पता भी होता है। ठीक है जी, तो सिंपल करीब होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, अब ये है सिर्फ करीब या हीरा। ठीक है जी, अब इसमें मैंने क्या किया, कुछ ठीक है सिविल वाला ऑयल डाला आपके समझ करे वाला, और ये मैंने क्या किया कीमा, ये टमाटर कट कर लिए। ठीक है जी, ये मेरे पास है लहसुन पाउडर है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, और ये अदरक पाउडर है ये भी हाफ़ टी स्पून, दोनों मैंने हाफ हाफ टी स्पून लिया। हल्दी पाउडर है 1/4 टी स्पून है, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, क्योंकि रमज़ान है आपको पता खाली पेट होता है, कोशिश किया करें कि ड्राई चिली, ये जो चिली पाउडर है ये कम से कम यूज़ किया करें, लेकिन अगर आपको टेस्ट है तो फिर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नमक की चटनी टेस्ट के मुताबिक डालें, तो मैंने हाफ़ टी स्पून ये नमक भी लिया, हाफ़ टी स्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर। ठीक है जी, और टमाटर मेरे पास ये 3 से 4 बड़े थे, मतलब बहुत बड़े साइज़ के थे, मीडियम साइज़ के थे। ठीक है, वैसे इस रेसिपी में टमाटर ज़्यादा जाते हैं, आम रोटी में अगर टमाटर सकते हैं तो आप 1 किलो भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, अब रेसिपी देखिए कितनी इजी, सिर्फ और सिर्फ कीमे को ऑयल में फ्राई करना है, कुछ भी नहीं किया हमने, कीमे को ऑयल में फ्राई करना है, और उसके बाद क्या होता है जी, जब हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं कीमे को, तो फिर हम इसमें चीज़ें डालेंगे। अब ये मैं स्मोक वाला बनाऊँगी, मैं आलू बनाऊँगी बट ये स्मोक वाला होगा, आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त स्मोक कीमा है। आप आलू चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं तो इसलिए डालती हूँ, आलू नहीं पसंद करते हैं, और मैं आप लोगों को बताने के लिए रेगुलर मेरी जो है ये डिशेज होती हैं ये बताने के लिए करती हूँ आपको, आपको पता है महंगाई का दौर है, सबको पूरा हो जाता है इजीली। ठीक है जी, अब बच्चों की कमाई भी पूरी होगी, स्मोक कीमा भी बन गया, और हमने थोड़े से आलू भी डाल दिए, और अब ये भी बताऊँगी आपको इसमें आप हल्की सी ग्रेवी रखना चाहें तो ये भी कढ़ाई जो है वो हल्की सी मामूली सी ग्रेवी बन जाएगी, ज़्यादा नहीं करोगे तो अच्छा ही जाएगी। ठीक है जी, कीमा अच्छा सा फ्राई हो गया, ठीक है सर, कलर फ्रेंड हो गया, और हमें क्या करना है ये जो स्पाइसी से सारे ये सब हमें डालेंगे। अब आप कहेंगे प्याज नहीं, तो इसमें हम प्याज नहीं डाल रहे, और सबसे तो बात बताऊँ आपको प्याज उसका घर में खत्म हो गया। ठीक है जी, मेरे हस्बैंड का मैं आऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सब चीज़ें मेरे हस्बैंड खुद लेकर आते हैं, तो वो कहते हैं जब मैं आऊँगा तो लेके आऊँगा, मुझे ये रहता है कि ये ना रोज़े का टाइम हो जाए तो फिर मैं ज़रा जल्दी बनाती हूँ चीज़ें, फिर मैंने सोचा कि चले मैं ये वाली रेसिपी दे देती हूँ। देखिए ना, मैंने किसी चीज़ को मैंने आपको बताया ना कि पकड़ के नहीं बैठी, ये चीज़ नहीं है तो मैं उससे रोने वैसे नहीं कोई बात नहीं, प्याज नहीं है तो देखें कितनी ज़बरदस्त फ्लेवर थी, मैं आपको किसी में आलू की रेसिपी दे दूँ, ऐसा कीमा आलू आपने शायद ही नहीं खाया, आप बनाइएगा मेरी रेसिपी और बताइएगा, अगर प्याज महंगा तो प्याज छोड़ दें, मेरे बात आप कहते हैं अल्लाह बना भी सकते हैं, उनका हमेशा से कहना जो चीज़ महंगी है अगर आप लोग छोड़ दो तो दुकानदार से बहुत वो चीज़ कम कीमत कर देंगे, उनका बिल्कुल सही कर दिए वो, उसको हमें समझ नहीं थी, लेकिन छोटे समय जो बातें मेरे जहन में फिर होती गई ना, यानी कि आपको पता है जब बड़ों का कहते हैं तो बातें फिर होती रहती हैं जहन में, तो मेरे जहन में जो दादा दादी की जो बातें फिर होती है वो मैं अपने यहाँ पर अप्लाई करती रहती हूँ। ठीक है, अब प्याज महंगा हो गया तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बगैर इसको बना रही हूँ, अब बहुत ही टेस्टी बनेगा,
ठीक है जी। अब इसको अच्छा सा भुनेंगे, खूब भुनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाले ना करें, ठीक है, और इसको भुनते हैं हम। अच्छा जी, हमारे कीमे के जो आलू हैं जी, हमने बॉईल किए थे, आपको बताया था मैंने एक ही बार कुकर में जब रखा आलू दही वालों के लिए, तो मैंने छाप लिए आलू बॉईल कर लिए, ठीक है। और इसको भी हम फ्राई करके डालेंगे, ज़्यादा टेस्ट भी नया हो जाता है, क्योंकि चीज़ों को अच्छा सा करके बनाना चाहिए ताकि बच्चे शौक से खाए। देखिए फ्राई होकर तो प्याज जबरदस्त टेस्ट होगा उसका, और कीमे पर हम जब स्मोक देंगे तो और ही ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है जी। पीछे से मेरा बेटा कह रहा है जी, और जब भी जाना आप एंड में पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ शोरबा करने के लिए, तो उस कढ़ाई को आप सालन की शेप, मैंने कहा बेटा सालन की शेप नहीं दूँगी, थोड़ा सा मैं ज़रूर डालती हूँ तो रोटी से एटलीस्ट खाया जाए, क्योंकि रोज़ा है ना, बिल्कुल ड्राई चीज़ें नहीं खाई जाती, वैसे मेरा ख्याल है कि सेहत के लिए हेल्दी नहीं अच्छी, तो ये बात हमें ऐसे काफ़ी एज में पता चली है। अब वो अगर बच्चा ऐसे ही होता है, जब बच्चे होते हैं जवान होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, जैसे जैसे एज के होते जाते हैं पता चलता जाता है हमारे लिए क्या चीज़ मतलब बेस्ट है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो मैं कैसे बनाऊँगी ये सब आपके साथ शेयर कर दिया। आलू फिलहाल मैंने फ्राई कर लिए और कीमा जो फ्राई हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, कीमे में हमने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि अच्छा सा जो है वो थोड़ा गल भी जाए, ठीक है जी। और ये फिर देखें हम भून रहे हैं अच्छा सा। आपको उसमें ना लाइट में थोड़ा सा इशू लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि मेरे सेलफोन की लाइट ख़राब हो गई है, बल्कि पूरा सेलफोन ही ख़राब हो गया गिर गिर के। बच्चे आपको पता है, आपको हर घर में यही हाल है, तो बस देना है वो रमज़ान के बाद ही होगा, आपको पता है सारा कुछ ख़त्म करके देना होता है, ऐसे नहीं देना होता ना इस मोबाइल को, जिससे हम काम करते हैं तो जाहिर बात है उसके कितने दिन के लिए जाएगा कहीं ठीक होने के लिए। तो बस सब चीज़ के बगैर गुजारा करती हूँ, बस वैसे मेरी नेचर भी ऐसे ही, मैं हर चीज़ के बगैर गुजारा करती हूँ। पता है क्या ये होता है, अपने पेरेंट्स की तरबियत की बात होती है, वालदैन अगर बच्चों को अच्छी तरबियत कर देना तो वह हर चीज़ के बगैर हर तरह के माहौल में गुजारा कर लेते हैं। और शुक्र अल्लाह का मैं कभी किसी को इशू नहीं बनाती, ये चीज़ नहीं है वो क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं उनसे करती हैं अक्सर। वो हमने शादी पर जाना, अब नया सूट नहीं है तो हमने उसी में नया सूट मिल जाता है, पुराना भी पहन लेना चाहिए, कुछ भी नहीं होता किसी चीज़ से भी, कुछ नहीं होता, ज़िंदगी अच्छी तरीके से खुशबाश होकर गुजारनी चाहिए। तो मैं तो बस ऐसे गुजारती हूँ, माशाल्लाह मुझे तो मेरे अम्मा अब्बा ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम सब बहनों की तरबियत ऐसी है जी हैं, और बनाना भी चाहिए अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मुराद पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग से मुराद ये होता है कि हर तरह की बात में, हर तरह के माहौल में वो गुजारा कर लें, मतलब यानी कि कर लेते हैं हम जो चीज़, ये नहीं कि छोटी सी बात को लेके बैठे। मैंने देखा बहुत अच्छा भी मिल रहा हूँ ना जिनको, जिनको हर चीज़ दुनिया की, जैसे मैंने नहीं देखा कि शुक्र करती हुई औरतें, मैंने नहीं देखा उन औरतों को कि उनके चेहरे पर कुछ स्माइल है, तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि मुझे तो डर भी लगा रहता है कि चेहरा ही ना ख़राब हो जाए, खींचा हुआ ना हो जाए मेरा चेहरा, तो मैं ही कहती हूँ मेरा चेहरा अच्छा सा फूला हुआ रहे, सही बात कि मेरी हो यानी कि अच्छा सा रहूँ मैं, और शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छा है, ऐसे मुझे किसी चीज़ की कमी भी नहीं है शुक्र अल्लाह पाक का। तो बाकी तो ज़िंदगी बहुत कुछ होता रहता है, हर एक के साथ होता रहता है, तो उस चीज़ को ले के नहीं बैठना चाहिए, अच्छे बुरे अप्स एंड डाउन ये सब कुछ इंसान के साथ भी होता है, ठीक है जी। हर तरह के हालात में ख़वातीन को गुजारा करना पड़ता है और करना भी चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दें, ठीक है जी। तो बाज़ तो बहुत बहुत लाडली होती हैं अपने वालदैन की, लेकिन वो फिर आगे जैसा माहौल निकल जाता है वैसी होती जाती है। अब आप मेरी, मैं अपनी मिसाल देखी, मैं ये समझती थी शादी से पहले कि मेरे घर में किचन ही नहीं मैं बनाऊँगी जो मुझे खाना पकाना पड़े, मैं यही समझती थी ना, नादानी थी कि किचन ही नहीं होगा तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन करना पड़ता है आगे सब कुछ, क्योंकि हमारे घर में तंदूर से रोटियाँ आती थी। हमारे घर अब्बा जी ऐसे थे, सिखाया सब कुछ अम्मा ने सख्ती से, अब्बा जी ऐसे ही थे कि नहीं 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 किचन में जाना नहीं, नहीं ये नहीं करना वो नहीं, वो ज़रा करते थे कि हमारी माँ ने हमें सब कुछ सिखाया, हर तरह की चीज़ बनाना सिखाई, हर तरह सब कुछ सिखाया, शुक्र अलहमदिल्ला। तो ठीक है जी, तब आपको लाइट का इशू लग रहा है मेरे, तो कोई बात नहीं जी, आप लोग रेसिपी देख रहे ना तो आप लोग समझ होंगे इस बात को, तो लाइट आप अपनी ऑन कर लें, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। तो मेरे किचन की भी लाइफ में इतनी खास नहीं है, वैसे जो जैसा जैसा मुझे मिल रहा है उसी माहौल में मैं कह रही हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाए, जो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर सकती, तो मेरे हस्बैंड अभी जाहिर बात है स्कूल टीचर है, तो जिस तरीके से वो होगा उसी तरीके से हमें चलना होता है खवातीन को, ठीक है जी। तो मैं ये सेलफोन जो है ठीक करने के लिए भेजूँगी, और इंशाल्लाह किचन में दूसरी लाइट लगा दूँगी, एलईडी बड़ी लाइट लगानी है, बस वही वाली बात है कि करते करते कुछ कर रहे होते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत बिजी होते हैं ना, वो इस तरह से कि यानी वो सुबह जाते हैं तकरीबन, अब जा रहे हैं आजकल वो 6:30 बजे जाते हैं, तो बिल्कुल अफ्तारी हो जाती है उस वक्त, वो घर के पास ख़त्म होते हैं, उसके बाद वो अपने वो तरावी पढ़ के वहीं से वो फिर ट्यूशन, होम ट्यूशन के लिए चले जाते हैं, अकेडमी अपनी चले जाते हैं, जो भी होता है उनका, ठीक है। तो जाहिर बात है फिर वो नहीं ख्याल रहता, बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं मुझे याद भी नहीं रहता कहना, उनको कहो तो ले आते हैं, चाहे ये बात भी नहीं है, कोई बात नहीं खुद से ले आते हैं, मुझे नहीं देते खुद से तो ले आते हैं जो चीज़ करते हैं, कभी बहुत टाइम लग जाता है, कभी रह भी जाए कोई चीज़ तो मैं उसके बगैर खुशी खुशी कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक, कितनी अच्छी हमारी कीमे की ना, तो इस तरह से कीमा आपने खूब अच्छा सा भुना है,
लेकिन टाइम नहीं। और मैं रखूँगी इसको जब ये तैयार होगा रेडी, इसका हल्का हल्का सा ग्रेवी, बच्चे हंस रहे कि मामा ये कर लेते हैं अच्छा खासा बना के, वो थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है ना। देखें आपको पता है घर चलाना ना औरत के लिए बड़ा मसला होता है, अब मिडिल क्लास है, हम सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। मैं आपको क्या वो गप्पे गप्पों वाला मेरा चैनल तो नहीं है, मैं ओरिजिनल सब कुछ दिखाती हूँ, सब कुछ वही शेयर करती हूँ जो कुछ मेरे साथ है, जैसा मैं हूँ जैसे मैं हूँ मैं वैसे ही दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो अब मैं इसको बनाऊँगी, इसमें आलू जो मैंने कितने से दम पे रखेंगे इसको, जब हम कोयले की स्मोक देंगे ना, तो आप देखिएगा बनाइएगा इसका फ्लेवर, आप मुझे बताइएगा कैसा ये मिक्स है। अब इसमें ग्रीन चिलीज डालते हैं, ठीक है जी। अदरक है अगर आपके पास साबुत, अब मेरे पास तो पीसी हुई है, तो अगर साबुत है तो आप उसको बारीक बारीक ना जुलिन कटिंग करके वो ऊपर डालिएगा, ठीक है। गार्निश के लिए हरा धनिया हो गया, अदरक हो गया, ठीक है, हरी मिर्च होगी इसे डाल दीजिएगा। अच्छा ये मैं हरा धनिया और ये देखें ये हरी मिर्च है, तो मैं हरी मिर्च इसमें डालूंगी इस टाइम, ठीक है जी। हर ये जो हरी मिर्च है ना ये भी मैंने थोड़ी सी डाली, ज़्यादा नहीं डाली, मैंने आपको बताया था कि ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर किसी चीज़ का भी हो, ज़रा आपको पता है रोज़े में फिर तो ज़रा हो जाता घर में हंगामा, तो लिहाजा मैंने थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी गार्निश भी डल जाएगी, यानी कि दो तीन चार डालने अगर आप जैसा पर टेस्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको बताया ना खाना पकाने में कोई ऐसी बात नहीं होती, फलां चीज़ आपको ज़्यादा हो फलां चीज़ ज़्यादा तो नहीं, मतलब यानी कि ये नहीं है आप समझेंगे निमक ज़्यादा हो जो मिर्च, मतलब मैं कहने का कोई चीज़ नहीं है तो उसके बगैर बन जाती है, बहुत टेस्टी बनेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हरी मिर्च है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस कंडीशन में आकर हमने जी, अब देखिए जी हमारे हैं हाथ में ये सेलफोन है, तो मैं क्या करूँ, मैंने यूँ करना है कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बल्कि पहले आपको दिखा देती हूँ, ठीक है जी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो आलू है ना, ये आलू जो फ्राई हुए हैं, ठीक है, इसको इसके ऊपर रखती हूँ, ठीक है जी, डाल देना यहीं पर। अच्छा जी देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त ये कीमा आलू की कढ़ाई है। अब हमने क्या करना है, हरा धनिया गार्निश में डालना है और एक कोयले को दहकाएंगे अच्छा सा, कोयले को हमेशा ज़्यादा सा दहकाना वरना नुकसानदेह होता है, ये बात याद रखिएगा। जो हम स्मोक वाली चीज़ें बनाते हैं कोयला अच्छी तरीके से हर तरफ से बिल्कुल रेड हो जाए उसको टाइम लगता है काफ़ी, ठीक है। फिर रोटी का छोटा सा टुकड़ा बीच में रखते हैं, कोयला रखते हैं उसके ऊपर, कोयले पर हम दो चार ड्रॉप्स ऑयल भी डालते हैं और उस पर लेट कर देते हैं, कवर कर देते हैं इसको और 5-6 मिनट, मतलब फ्लेम ऑफ कर देते हैं 5-6 मिनट, उसी में स्मोक में उसकी खुशबू आ जाती है, ठीक है, ज़बरदस्त सी और बहुत ही टेस्टी होगा। अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि अब ये बिल्कुल ड्राई है ना, ये भी आपको ऑयल हल्का सा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ड्राई है कीमा भी और आलू कीमा आलू। तो देखिए जी घरों में अपना अपना सिस्टम होता है, अपना अपना जैसे, तो मैं अपनी डालूँ क्योंकि ये ठीक है इतना बस इतना ही मैंने, तो इतना हल्का सा ये पानी डाला है, अब ये देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छा सा इसमें खाया भी जाता है, बहुत टेस्टी स्मोकी फ्लेवर भी आएगा, ठीक है जी। जी आज हमने बनाया है कीमा स्मोक कढ़ाई जो बनाई है, ज़बरदस्त सी, आप देखिएगा जी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये रोटी के साथ खाएंगे आज सिंपल सा, ठीक है जी। दही बेले हैं वो बाद में खाएंगे आज हम, क्योंकि वरना फिर सालन रह जाता है, और फिर हम लोग खजूरें खा लेंगे, जूस पी लेंगे, बनाना खा लेंगे, स्ट्रॉबेरी है स्ट्रॉबेरी खा लेंगे बाद में, ठीक है जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करें, ओके अल्लाह हाफिज़।